हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अंडरग्राउंड पाइप में डालना चाहते हैं तो अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे डालना चाहिए, ये मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। जब आप पाइपिंग डालेंगे उस समय ये चीज नोट कर लेना है कि आपको बेंड बहुत अच्छे से देना है। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, अगर जहां जा रहे हैं आप कोई भी सेट देखने जा रहे हैं, उससे पहले आपको सबसे पहले सेट देखना है कि सेट किस तरीके से की है, ठीक है। कहां पे आपको एसी इंस्टॉल करना चाहिए या फिर अंडरग्राउंड पाइपिंग जो है वो आपको पाइपिंग कहां रखना चाहिए, तो आपको क्या है पाइप पहले देख लेना चाहिए कि कौन सी वाली वॉल पे लगना चाहिए, जहां पे बैठे हो, जहां पाइप आसानी तरीके से निकल जाए पाइप, ठीक है। पाइप में ज्यादा दिक्कत ना हो, ड्रेन का खास तौर से ध्यान रखना है। ड्रेन पाइप जो है आपको बहुत अच्छे से देख लेना कि ड्रेन पाइप जो है, जो ड्रेन का स्लोप है बहुत ध्यान से देख लेना है कि बाद में दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आप अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ड्रेन की बहुत ज्यादा देख लेना चाहिए कि ड्रेन पाइप जो है उसका स्लोप अच्छे से होना चाहिए। वो बैंड कैसे देना चाहिए, जो बैंड हम देते हैं बैंड आपने जैसे मापा और उसके बाद जो भी है मेजरमेंट निकाला कि पाइप कहां से कितना है, कितने फीट लगना है, तो आपको वहां पे वो चीज नोट करना चाहिए कि बैंड जो देना है एकदम प्रॉपर आना चाहिए। वो मैं आपको डिपेंड ट्रिक बताऊंगा कि आप बैंड जब देंगे तो आप कैसे दे सकते हैं बैंड जो आपका एकदम फिक्स बैठे। तो अभी मैं आपको ये पाइप पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी डाल दिए, दो तीन लाइने डाल दी, तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो बता दूं और वीडियो बना दूं और जो भी टिप एंड ट्रिक है वो भी आपको समझा दूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो जब आप अंडरग्राउंड पाइपिंग करें। ये जो पाइप है आप देख रहे हैं इसमें, तो यहां से यहां तक की कटिंग जो है आपको, ये जो पाइप है उसके एक्स्ट्रा जो है एक फिट आपको पाइप छोड़ना है, जिससे कि आप एसी इंस्टॉल करें उस समय कटिंग आसान तरीके से आपका जो एसी है वो लग जाए। एक फिट आपको इनके पाइप छोड़ना है एक्स्ट्रा, ठीक। ये जो कोना है आपको यहाँ पे इंची टेप से मापना है। सबसे पहले आपको ये वाली जो नोप है यहाँ पे रखना है, उसके बाद आपको यहाँ तक देखे, यहाँ तक का जो आपका आ रहा है 3 फिट आ रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप एक्स्ट्रा पाइप छोड़ेंगे जी यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा पाइप है वो 1 फिट है, और टोटल हमारा जो पाइप है इस नोक से, ये जो कोना है आपको यहाँ से यहाँ तक का जो मापने की जो जगह है, जितने भी हो चाहे 1 फिट हो या फिर 2 फिट हो या 3 फिट हो, जितना भी हो आपको यहाँ से यहाँ तक मापना है। फिर क्या है, जो आपका 3 फिट जो यहाँ पे बैठा है उसको वहीं से बैंड देना है। ये आपको मैं प्रैक्टिकली अभी बता दूंगा कि आपको कैसे बैंड देना है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी ये वाली जो लाइन डाल दी है, एक आपको जो अंदर दिखाई थी वो भी लाइन डाल दी है। इनके जो बैंड दिए आप देख सकते हैं, जो बैंड हमारा एकदम प्रॉपर बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसी तरीके से बैंड देना है, अगर बैंड आप अच्छे देंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम प्रॉपर आएगी। तो बैंड सबसे बेटर आप देंगे, जो बैंड देंगे उससे आप सबसे अच्छा है कि माप लें, जहां से आपको बैंड देना है वहां से वो एरिया नाप लें, उसके बाद क्या है आप बैंड देंगे, बैंड जो होगा आपका प्रॉपर होगा। मैं आपको एक आध बैंड प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा कि आप बैंड कैसे देंगे। तो अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल पे न्यू विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि बैंड आप कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है मैं आपको बैंड बताऊंगा कि बैंड कैसे देना चाहिए, बैंड जिससे कि आपका प्रॉपर आए। बैंड हमेशा देंगे तो आप बैंडर का यूज करें, जो स्प्रिंग होता है बैंडर उसका यूज करें, जिससे कि आपका बैंड एकदम प्रॉपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें बैंडर डाल दिया, आपको इस बैंडर का यूज करना है, कभी भी आप बैंड दें तो इस बैंडर का आप यूज करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बैंड देके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको बैंड बहुत अच्छे से समझ आ जाए बैंड जो आप देंगे वो कैसे देना चाहिए। ये 3 फिट का एक बैंड मुझे देना है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप बैंड कैसे दें। सबसे पहले इंची टेप लें, इंची टेप से इसको माप लें। तो आपको क्या है 3 फिट का मुझे बैंड देना है, तो 3 फिट ये आ गया, आप देख रहे हैं 3 फिट ये है बीच में इस समय, ठीक है 3 फिट ये, और इस जो हमारा बैंडर है इसको आपको बीच में कर लेना है। फिर आपको क्या है, ये 3 फिट आ गया, तो 3 फिट जो जहाँ पे आपने मापा है, कोई भी सेट है आपने जहाँ पे मापी है, उस समय क्या करना है आपको 3 फिट यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। तो जो 3 फिट जहाँ पे आया है आधा स्प्रिंग आपको इस साइड रखना है, आधा इस साइड रखना है, फिर क्या इस बीच में यहाँ पर बैंड दे देना है। तो मैं आपको अभी बैंड दे के दिखाता हूँ, आपको बैंड इस तरीके से देना है। ये जो बैंड आया है इस समय, इसको आपको ऐसे ही बैंड देना है, ध्यान रखना है जहां पे आपका कोना है, जहां पे आपको बैंड देना है बिल्कुल कोने से मिलके, जहां पे जो भी अंक आते हैं, जो भी डिजिट आते हैं, वहीं पे आपको बैंड देना है, चाहे वो 1 फिट हो या 2 फिट हो, 3 फिट हो, जहां पे भी आपको बैंड देना है, जहां पे कोने
कोने का लास्ट है वहीं पे आपको बैंड देना है। तो इस तरीके से अगर आप बैंड देते हैं तो आपके जो बैंडर है जो भी बैंड देंगे एकदम प्रॉपर बैंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।